ओम भगवान श्री धन्वंतरे नमः। जय हो भगवान श्री धन्वंतरी जी, जय हो आयुर्वेद। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक सस्ते और सुलभ मंजन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसके आपको बहुत ही अतुलनीय लाभ होंगे। जैसे दांतों का हिलना, दांतों और मसूड़ों में से पीप आना, दांतों में कीड़ा लग जाना, मुख में दुर्गंध रहना, ठंडा गर्म पानी या पीने की चीज़ें मुँह में लगना आदि। आपको कुछ ही चीज़ें लानी हैं जो आपको किसी भी अच्छी पंसारी अत्तार की दुकान से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आपको लाना है शुंठी, काली मिर्च, दालचीनी, लवंग, सुपारी, देसी कपूर, ईरानी अकरकरा और स्वर्ण गैरिक। अब आपको क्या करना है, सुपारी को जलाकर उसका कोयला बना लेना, देसी कपूर को पीसकर अलग रख लेना है, बाकी सब चीज़ों को पीसकर महीन पाउडर बना लें और उसको कपड़े में से छान लें। उसके बाद उसमें आपको देसी कपूर का पाउडर मिलाकर सूखी साफ स्वच्छ शीशी में भर कर रखना है। अब आपको करना क्या है, जिन लोगों को दांत से खून आने की या दांत हिलने की समस्या है, वो थोड़ा सा मंजन इसमें से लेंगे और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाएंगे। इसको आप पेस्ट बनाकर धीरे धीरे दांतों और मसूड़ों पर मलेंगे। ध्यान रखना है, मसाज करना है, रगड़ना नहीं है। जिन लोगों को केवल दांत ठीक करने हैं, दांत चमकाने हैं, उसको ब्रश और उंगली दोनों की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि इस मंजन को करने के 15 मिनट बाद ही आपको कुल्ली करनी है। जय हो श्री आयुर्वेद, जय हो भगवान श्री धन्वंतरी। मैं हूँ आपका अपना दोस्त राम कुमार वर्मा वैद्य जी, जबरेड़ा, हरिद्वार, 97 1954 62 68।